एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी स्मूदी जो है एप्पल फ्लैक्स सीड से बनी हुई। तो आपको दिखाती हूँ मैं, उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। 1/4 कप जो ओट्स हैं उनको मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया है। आप इसको सोक भी कर सकते हैं पानी में 10 मिनट्स पहले। फ्लैक्स सीड्स 1 टेबल स्पून लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने दालचीनी पाउडर लिया है। 1 बड़े एप्पल को मैंने कट कर लिया है। आप स्किन और विद स्किन दोनों तरह से ले सकते हैं। 6 काजू और 6 बादाम हमने सोक किए हैं, बादाम का छिलका निकाल लिया है। 3 डेट्स हैं, 4-5 तुलसी के पत्ते हैं और ये आधा कप से थोड़ा सा कम हमने मिल्क लिया है, आलमंड मिल्क लिया है। ये दिखाऊं मैं आपको, इस तरह का ये अनस्वीटेंड आता है, तो आलमंड मिल्क आप लें वो बहुत अच्छा है। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, उनसे एलर्जी है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये थोड़ा सा चॉप कर लिया है मैंने एप्पल और बादाम गार्निश करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले डालेंगे इसमें ये डेट्स, देखिए कितने सॉफ्ट वाले हैं, तो आराम से ये क्रश हो जाते हैं और शुगर की भी फिर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तुलसी के पत्ते, ये सोक्ड नट्स, फ्लैक्स सीड्स। और पता है स्मूदी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सब कुछ साथ में डालो और चला दो। ओट्स, दालचीनी पाउडर और ये डालेंगे सबसे लास्ट में हम मिल्क। आप इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हैं, आधा मिल्क आधा वाटर, जितनी थिक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं। तो आइए इसको ग्राइंड करते हैं। तो थोड़ा सा हमने इसको ऐसे चला लिया और अब हम इसमें एप्पल डाल देंगे और उसको साथ में चला देंगे। आप चाहें तो सबको साथ में भी डाल सकते हैं। और अब ये देखिए आप, मैंने इसमें ना 1/4 कप पानी भी ऐड किया है। जो एप्पल हमने लिया था ना वो काफी बड़े साइज का था, तो आपको देखना है कि कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। ये भी स्पून से खा सकते हैं आप, पी सकते हैं, आप चाहें तो मतलब और पतला कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। थोड़े से चॉप्ड एप्पल हम नीचे भी डाल देते हैं। गार्निश कैसे करना है आपकी चॉइस है। और ये सब कुछ चिल्ड है, मैं आपको ये बताऊं, ये बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ है। तो देखिए, आप चिल्ड एप्पल लें, चिल्ड सोया मिल्क लें, क्योंकि ठंडा ही अच्छा लगता है और क्रीमी टेक्सचर आता है इससे इसका। देखिए अप्रोक्सीमेटली 1 ग्लास, बड़ा 1 ग्लास मतलब तैयार हो जाता है आपका, लग रहा है ना ये। अब हम इसको गार्निश करेंगे एप्पल से, जो चॉप्ड एप्पल है उससे गार्निश करेंगे हम। साथ में डालेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम। आप फ्लैक्स सीड रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो आप ये यम्मी सी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। आप शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, तभी पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। तो ये हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है।